चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, ठीक है। यानी कि एक न्यूटन में कितना डायन होता है या फिर एक डायन में कितना न्यूटन होता है, इस चीज को हम लोग फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, तो आप बोलिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डायन, ठीक है, यानी 1 लाख 10 के पावर 5 डायन। लेकिन अगर आपको कहे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम बॉडी होगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है कि नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किलोग्राम सॉरी 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ठीक यस सर। है। हम लोग जानते हैं कि डायन इज द सीजीएस यूनिट। डायन क्या है? सीजीएस यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, यानी कि जहां पर मीटर है वहां से सेंटीमीटर करेंगे, जहां पर किलोग्राम है वहां ग्राम करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यही चेंज करना है, किलोग्राम को किसमें चेंज कर दिए? ग्राम में, 1000 हो गया। मीटर को किसमें चेंज कर दिए? सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर हो गया। 1000 × 100, तो ये हो जाएगा 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉन एच डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5 डाइन। बोलिए आपको समझ में आई है? सबको समझ में आ, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो 1 डाइन में क्या करेंगे? 10 के पावर 5 को अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर -5 न्यूटन, ठीक। चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ गया, याद रखना है आपको, हमेशा के लिए याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन और 1 डाइन इज इक्वल टू 10 के पावर -5 न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन क्या होगा, ठीक है। न्यूटन में आपको 10 के पावर 5 डाइन याद रखना है, एक याद रखिएगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड पॉन्डल, ठीक है। तो न्यूटन और पॉन्डल, न्यूटन क्या होता है? केजीएस होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और पॉन्डल होता है एफपीएस, फुट पॉन्ड सेकंड। तो देखो 1 पॉन्डल किसको कहते हैं? 1 पॉन्डल का मतलब क्या है? 1 पॉन्ड और 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं 1 पॉन्ड में कितना किलोग्राम होता है, तो 1 पॉन्ड में होता है 0.4536 किलोग्राम, ठीक है। और 1 फीट में कितना मीटर होता है? 30.3048 मीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आएगा 0.138257 न्यूटन। 1 पाउंडल में कितना हो जाएगा? 0.138257 न्यूटन। अगर इसको हम 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायन में चेंज हो जाएगा। तो 1 पाउंडल इज इक्वल टू होता है 1.38257 डायन, ठीक है। ये हो गया पाउंडल में न्यूटन और पाउंडल में डायन। लेकिन अगर बोले कि 1 न्यूटन में कितना पाउंडल, तो क्या करेंगे? इसको 1 डिवाइड कर देंगे 0.138257, तो ये आ जाएगा 7.2329 पाउंडल, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 7.2329 पाउंडल। अब बताइए न्यूटन बड़ा है कि पाउंडल बड़ा है? न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन बड़ा है, ठीक है। जल्दी से उसको नोट कर लीजिए।